अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो व्यूअर्स, सीन ये है कि भाई आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपका भाई जा रहा है फिशिंग में। शहजाद मेरा जो दोस्त है, वो उसका और मेरा हमारा साथ का प्लान बना था कि चलो फिशिंग में चलते हैं। वो मुझे काफी अरसे से कहता था कि यार अब फिशिंग में जब भी जाना तो हम दोनों साथ चलते हैं। तो मैंने चलो यार जल्दी इंशाल्लाह प्लान बनाते हैं और फिशिंग में साथ चलते हैं। तो बस अभी वही शहजाद की तरफ जा रहे हैं। तो फिर शहजाद की फैमिली ने, उसकी मिसेस ने बोला कि अपनी फैमिली को लेते हुए आओ। तो प्लान ये बना है कि फैमिली को उसकी तरफ उसके घर में छोड़ के फिर शहजाद और मैं फिशिंग में चले जाएंगे। देखें, मजे की बात ये है कि बारिश भी हो रही है। अब देखो यार, वेदर चेक किया था, बारिश के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन और सीन ये है कि देखें, एल्मा परिशो को अभी स्कूल से पिक किया है हमने और करीबन देखें इनको खाना भी जो है ना गाड़ी में ही खिलाया है। क्या है भाई खाना? राइस, दाल और अच्छा लैम था और जुकीनी की सब्जी, मटर आलू। ओ माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा था कि सब चीज खा लिया एल्मा ने। जब ही एल्मा माशाल्लाह इतनी पावरफुल हो गई है। एल्मा कह रही है आप मुझे फैट बोल रहे हो। नो नो बाबा, नो बियर, फैट करना चाहते हो इतना। अच्छा अच्छा, एल्मा ये कह रही है कि आप लोग मुझे फैट करना चाहते हो इतना खिला के। नो बेबी, यू लुक सो क्यूट। आप अब वैसे भी इतने हेल्दी गर्ल, यू आर अ माशाल्लाह वेरी हेल्दी गर्ल। यू एंड परिशे, लिसन, आप अभी बहुत खेलते हैं, स्कूल में भी खेलती हो, मार्शल आर्ट्स भी करती हो, रनिंग भी बहुत करती हो, तो इट्स गुड फॉर यू, फैट इज गुड फॉर यू। ओके, आप तो एक्सरसाइज करती हो खूब। हाँ बिल्कुल, आप घर में भी हर वक्त एक्सरसाइज करती रहती। तो ये और मेरी छोटी वाली छुप गई है। परिशा अपना अपना खूबसूरत फेस सामने लेकर आओ बाबा। देखिए व्यूअर्स, ये डॉल देखना आप कितनी क्यूट है। इसकी स्टोरी ये है कि भाई के परिशा की क्लास में किंडी में जाती है ना मेरी बेटी, तो इसकी जो है ना इनका एक पूरा एक हफ्ता होता है जिसमें डॉल लेके जाना होता है। बच्चों की जो जो फेवरेट डॉल होती है ना वो लेके जाती है हर पूरे साथ के साथ दिन। तो परिशे आप इत्तेफाक से वो मैं मिस कर गया था कि इसकी जो है ना डॉल डे है कि इसको अपनी गुड़िया लेके जानी है। तो फिर सुबह गए तो स्कूल सारे बच्चों के हाथ में, तो परिशे का मुंह बन गया। तो फिर जो है, हाँ भाई ये मेरी बेटी की बेटी है ये परिशे, परिशे सुबह सुबह फिर स्कूल छोड़ के फौरन अरीबा और मैं हम लोग गए मार्केट और हम लोग 15 मिनट में वापसी आए इस डॉल के साथ और परिशे को दिया। तो परिशे की जान में जान आई, फिर खुश हुई परिशे, फिर मेरी बेटी बहुत खुश हो गई, फिर हम लोग भी खुश हो गए, बेटी खुश तो हम लोग भी खुश। तो बस सीन ये है कि गाइस, मेरे ख्याल में बातें बहुत लंबी हो गई हैं, अब चल के आपको शहजाद लोगों से मिलाते हैं और शहजाद की जो है ना मस्खरी और मजाइया बातें आपको सुनाते हैं। चलें साथ रहे। एंड वी गॉट समथिंग फॉर रयान एंड हाशिर। इट्स एंड नाउ वी गॉट समथिंग फॉर हाशिर, नॉट फॉर यू एंड रयान। वी गॉट फॉर यू, ये लो आशीष, वी गॉट दिस फॉर यू बड़ी। इट्स अ स्लाइम। थैंक यू स्लाइम। आपकी मामा अब सफाई करेंगी घर की। डोंट ओपन। और शहजाद कैसे हो तुम? बस ठीक हो? मछली के लिए। हाँ मछली के लिए चलें। चलो टाइम तो वैसे हमारे पास इतना नहीं है, थोड़ा बहुत शुगल करके आएंगे, मछली को तपा के आएंगे। नहीं मुझे तो भूख नहीं लगी, तुम्हें भूख लग रही है? मुझे तो भूख नहीं है। नहीं तो बस चलो चलो, हमारा टाइम बचेगा। We got it from outside. It was just sitting on the floor. We just got it. It's got so much thin body for you. Look at this. ये सारे बच्चे लग गए स्लाइम के साथ। हाशिर हाशिर ने अपना छुपा दिया, ये बड़ी फिल्म है। चलो इन द मीन टाइम हम लोग मछलियों को सड़ा के आते हैं। चलो भाई मिलते हैं फिर, सही है। और ये शहजाद की टोयोटा क्लूगर, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन अभी हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा हम लोग जा कर रहे हैं गाइस, हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड जेटी। ग्रैंड जेटी ये कहाँ पर है? ये पास में ही है। ये हेनली बीच वाला जेटी तो नहीं है? ये हेनली बीच के बिल्कुल पास में ही है। अच्छा हेनली बीच के, शहजाद कह रहा है बिल्कुल पास में, क्योंकि देखें एडिलेड का इसको बहुत ज्यादा पता है। यहाँ से 20 मिनट है, यहाँ से 20 मिनट है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। लाकर चेक कर रहे हैं हम ये ग्रैंड जेटी, ये हेनली बीच को क्रॉस करते हुए हम लोग आ गए हैं, बस अब यहाँ से लेफ्ट है। ओफ ओफ, व्हाट अ जेटी हियर गाइस। एंड यहाँ पे मैं पार्किंग कर दूं क्या? हाँ कर दो कर दो।
और ये मेरी रॉड है शिमानो की, मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है गाइस, न्यू है बिल्कुल, पैक नेवर यूज्ड। ये ले, जिससे मछलियाँ पकड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और आज का मौसम बहुत ही क्लासी है, और आप जगह देखें कितनी खूबसूरत है। और शहजादी तुम्हारे घर से कितनी दूर? 20 मिनट की ओनली ड्राइव ना, वो भी अभी पीक टाइम पे ना, वरना तो 10 मिनट है। और देखें बीच के किनारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अच्छा है यार, बंदा यहाँ आए रेस्टोरेंट्स में खाना खाए, एंजॉय भी करे। वाह व्हाट अ जेली, देख रहे गाइस, इसको बोलते हैं असल में, हाँ ये है वेलकम टू ग्रैंड जेटी। को इंस्ट्रक्शंस भी दिखेंगे कि नो डाइविंग, जंपिंग, ऑथराइज्ड व्हीकल्स ओनली, ये सारी चीजें मतलब आप कर नहीं सकते यहाँ पर। शहजाद तुम तो मुझे बहुत बड़े शिकारी लग रहे हो। मैं शिकारी नहीं हूँ, तुमसे सीखूंगा शिकार करना। चलो हल्की हल्की बूंदा बांदी भी, रिमझिम हो रही है। हाँ, ये जो पानी का साउंड आ रहा है ना, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। वाह आई लव इट गाइस, पानी को देख के मुझे कुछ होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मछली बनते बनते इंसान बन गया हूँ, पानी को देख के मैं एक्टिवेट हो रहा होता हूँ। गर्मी आने वाली, अब तो और मजा आएगा पानी का, कसम से यार। वहाँ पे आपको पहले ही से, अभी आपको चल के दिखाते हैं, कुछ लोग बैठे हुए जो कि शिकार कर रहे हैं। अब देखें गाइस, ये जो जेटी होती है ना, इस तरीके से यहाँ पे मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे वाटर एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, चेक करें। ये देखें ये, वाओ यार मज़े तो ये हैं। देखें अभी गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई और आप गोरों को देखें मज़े कर रहे हैं। और गाइस देखें, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिश मेजरिंग स्टेशन है, यहाँ पे देखें ये स्केल लगा हुआ है, तो आपने इसके हिसाब से अगर आप कोई मछली पकड़ते हैं तो इसके हिसाब से आपने नाप के उसको रखना है। इससे आपको पता लगता है कि जो फिश आपने पकड़ी है वो जायज़ साइज है या नहीं है। अगर वो छोटी साइज़ की है और इसके स्केल के हिसाब से पूरी नहीं उतरती तो आपने उसको पकड़ के वापसी पानी में फेंकना होता है, ये कानून है। अगर आप ये नहीं करते और पुलिस ने आपको देख लिया तो आपको जुर्माना है। देखें गाइस, ये अंकल जो है ना, यहाँ पर ये मछली पकड़ रहे हैं और इन्होंने कोई छोटी सी मछली पकड़ भी ली है। अब गाइस देखें, यहाँ पर हमें शेड मिल गया है तो हम बारिश से बचने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हाँ यहाँ पर अपना ठिया लगाते हैं बस। शहजाद तुम्हारी रॉड में मैं ये इलेक्ट्रिक फिश लगाता हूँ, ये चार्ज होती है फिश, सही है, इसके अंदर अभी फुल चार्ज है ये फिश, देख रहे हो आप, ये फिश पानी में जाते ही एक्टिवेट हो जाएगी और चलना स्टार्ट हो जाएगी। गाइस ये वीडियो मैं इसमें लगा भी दूंगा, डेमो एक आपको मैंने दिखाई भी है, अभी आप देखेंगे, मैंने घर पर बनाई थी इसकी वीडियो कि ये किस तरीके से ऑपरेट करती है। करंट वगैरह तो नहीं लगेगा? ना ना, ये पानी से टच होते ही ना इसका ये एक्टिवेट हो जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको इधर आओ, करीब आओ, खुद देखना मछली ये चली, सही है। हाथ से लगाया ना, स्मेल देखो सड़ी हुई मछली की स्मेल आ रही ना, तो देख लो ये है। और इस बंदे ने जो है ना आज क्रैब खत्म कर देनी है सारी, जबरदस्त, वेरी गुड साइज भाई।
गुड वन. यू गोना हैव अ डिनर, गुड डिनर. ये फास्ट कर मत. ये ओह देखें इस तरीके से ये इसको साइज कर रहा है. इज इट दैट मींस इज अ लीगल साइज. ये दैट्स गुड. दैट्स गुड. वाओ मैन दैट्स गुड. और शहजाद सो फार नो लक ना. केकड़े की नस्ल खत्म कर देगा इस दुनिया में. केकड़ों की ना क्रैब्स की किल्लत होने वाली है, क्राइसिस आने वाला है. वो भाई सही पकड़ रहा है, लिटरली केकड़े सही पकड़ रहा है. मैंने उससे पूछा आज करोगे क्या तुम इतने सारे केकड़ों का, तो कहता है मैं घर में जाके सूप बनाऊंगा, फ्राई भी करूंगा और इस तरीके से खाऊंगा. तो मैंने पूछा इसमें मीट होता है, तो कहता है थोड़ा बहुत होता है और टेस्ट में कहता है ये प्रॉन्स की तरह होता है, जो झींगे जो श्रिम्प होते हैं ना उनकी तरह होता है. तो नॉट बैड. तो ये गाइस देखें अभी बाकी सीन ये है कि देखें मेरी रॉड भी ये रही. तो सीन ये है कि यार देखें लगे में कोई बाइट तो आ नहीं रही है, लेकिन ये कि इट्स अ गुड फन. देखें आपको बुरा तो लग ही नहीं सकता ना यहाँ पर, फिश लगे या ना लगे इट्स अ गुड डे आउट. अच्छा भी वेदर है, ठंड भी नहीं है उस तरीके की थोड़ी बहुत, लेकिन लग रही है. और सबसे बड़ा मसला ये कि अरीबा दो बार कॉल कर चुकी है और मुझसे पूछती है कितनी मछलियाँ पकड़ ली. शुगर ले रही है, अंडर प्रेशर रखा हुआ है अरीबा ने कि बस पकड़ के लेकर आनी है मछली. शहजाद घर से प्रेशर है यार, अरीबा पूछ चुकी है कि अब तक मछली लगी कि नहीं लगी. खाना नहीं मिलेगा. और देखें आज गाइस मैंने जो है ना ये बड़े शिकारी को अपने साथ लेकर आया हूँ. शहजाद को मैंने कास्टिंग करना तो सिखा दिया है कि समझ गए ना लॉजिक. जब भी मैं फिशिंग करने के लिए आता हूँ इस उम्मीद से लगी लगी नहीं लगी नहीं लगी. मुझे ये सिनेरियो बहुत, ये जो है ना ये एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आता है यहाँ पर. देखें एनीथिंग इज बेटर देन स्टेइंग आउट ऑफ द होम. आप घर में होते हैं तो टीवी में लगे हुए होते हैं या मोबाइल में लगे हुए होते हैं, तो दिस इज़ गुड ना. देखें ये जो है ये नज़ारा है, ये एक्टिविटी है, ये अच्छी चीज़ है ना, तो सही है. शुगल भी हो जाएगा. और वहाँ पर देखें वो अभी थोड़ी सी अब ठंड भी महसूस हो रही है, लेकिन ये सर्फिंग जवान के बच्चे ये अभी भी लगे हुए सारे मज़े कर रहे हैं. लिटरली इनको ठंड नहीं लग रही है. हाँ भाई मसाला तैयार है. अच्छा आप लोग क्या खा रहे हैं? चपली कबाब. एल्मा लव्स इट. और अम्मी आप लोग मछली का इंतजार कर रही थी? अरे चाल ही नहीं थी बिल्कुल भी. भाभी आपके साथ बहुत गलत हो गया यार. शहजाद ये क्या तुमने तरीका यार, इतना कुछ तुम लोग आते नहीं होने यार. हाँ अब जॉब नहीं है ना, बहुत अब पूरा जॉब नहीं है. और ये जी भाभी ये चपली कबाब बन रहे हैं. ये ट्राई करो. हाँ जितनी देर से तुम कह रहे थे कि यार कुछ यहीं से खा लेते शाहरुख, भूख लग रही है यार. मैं ना नहीं खाओ कुछ छोटे वाले जिन्हें इमली जिंजर सॉस अच्छी है. अच्छा ट्राई करें, बहुत मजे का. अच्छा 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 शहजाद ये वही वाली रोटी है जो तुम दिखा रहे थे मुझे. यार ये फ्रेश फ्रेश ना मजा आएगा यार. और बेगम कैसी हो यार? ठंड थी यार थोड़ी. यहाँ क्या है? ये मुझे मटन लग रहा है. भाभी इतने छोटे टाइम पे आपने ये सब अचानक इतना कुछ मेरे ख्याल में एक चीज बस बना लेते हैं, इतना हार्ड क्यों किया अपने लिए? वाह पुलाव भी है. क्या हुआ, भोजन रेडी है? शहजाद तुम बहुत भूखे हो रहे थे, तुम आराम से चबा चबा के खाना, निगलना नहीं. कुछ भी नहीं बनाया तो ऐसे. शहजाद तुमने तो खुद तो बनाया. तुम मैंने सिर्फ जबरदस्त रायता बनाया था बस, और कुछ नहीं. मुझे इतनी भूख लग रही है ना, मैं दिल चाह रहा नहीं खाऊं ताकि ये जो तड़प को रखूं बरकरार. लिटरली अभी यहाँ से आधे घंटे बाद देखना ये खाना, देखने का भी दिल नहीं चाहेगा. यही तो नहीं चाह रहा हूँ मैं. मेरी लॉजिक ये है. और बैठो
चीकी क्या खा रही है? शहजाद सैलेड खाओ। आज के लिए वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं। अच्छा गोश्त खोर होगा आज के लिए? आज के लिए गोश्त खोर होगा। अच्छा अम्मी निकालिए आप भी। क्या बारिश हो रही थी वहाँ? बारिश ठीक ठाक हो रही थी यार, बारिश हो रही थी लेकिन वहाँ पे एक शेड बना हुआ था तो हम लोग जो है ना उस शेड के अंदर थे। अच्छा तो जो है ना बचत हो गई थी लेकिन चाल बिल्कुल भी नहीं थी यार। ये वाला सैलेड अब हम लोग भी बनाते हैं। बहुत अच्छा। कितनी नरम होती है। एक कबाब अम्मी को दे दे। हाँ हाँ मैं परीक्षा को खिला रही हूँ। आ जाओ तुम भी आ जाओ परीक्षा को खिला रही हूँ। बच्चे खाते रहेंगे। हाँ बच्चे खा लें तो हम लोग खा लेंगे। यार क्या चपली कबाब है यार, बीफ का है ना? ओह वो रोटी पे सॉस से खाएं। इमली जिंजर क्या? इमली जिंजर सॉस, इमली और अदरक की सॉस। चेक करते हैं कैसी है ये इंडियन प्रोसेस। Kiddos, you guys wanna eat kheer? Rice pudding? I don't like it. Okay. Harshir? Harshir? You wanna eat? Harshir? Okay, sorry, sorry, Ryan. You wanna eat rice pudding? No. Checker cookies, नहीं यार ये सारी चीजें तुम इंट्रोड्यूस करा दो फिर मैं लेकर आता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ रहमत शीरी को तुमने मार्केटिंग बहुत कर दी है वैसे। लेकिन उनकी चीज बहुत अच्छी। रहमत शीरी वालों शहजाद को जो है ना दो तीन डब्बे भेज देना। यस अलमा इट्स रियली गुड। मजे का ना? बा 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 मेरा पेट भर गया। चलो साहब चाय पकड़ लो इससे पहले कि बच्चे गिरा दें। देख के good job, Ryan. It's okay. Whoever wins, that's fine. Two. Okay, now you need one. Now you just need one. Oh, Harshir, Ryan is winning. Number three. 1, 2, 3. Wait, just wait. After this. Ryan is winning. Oh! You are getting one. Number, beta, you have tried many times. Oh, he's got one. Oh, he's winner. Congratulations. Congratulations. Ryan, congratulations. See, I tell you something. See, I lose with you. But I still say congratulations. I'm not crying. I lose with you. I'm not crying. Yeah, Shahzad. शहजाद पिछले दो घंटे से बैठ के यार गेम देख रहे हैं खत्म नहीं हो रहा। ये क्या रेगिस्तान में मैच हो रहा है इनका? सांप बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ ऊपर चले गए कि नीचे आ गए। दो छोटे हैं वो बहुत शरारती हैं। वाकई ये लग रहा है डेजर्ट में हो रहा है गेम। बहुत ज्यादा सांप है यहाँ पे। टू रयान इज द विनर। दैट्स गुड। He's not crying, but you were crying. Yes, and congratulations. Congratulations. Thank you. See, that's how you do it. Don't cry. यार मेरे ख्याल में बस शहजाद मेरे ख्याल में इन लोगों का तो गेम खत्म ही नहीं होगा। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। रात के 9 बज गए हैं अब चलते हैं। लेट हो जाएंगे यार लेट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में बच्चों को स्कूल भी जाना है कल।